सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बाकी जो टूल्स बाकी था वो मैं कवर कर दिया, और अगर आप पिछले टूल्स का वीडियो देखना चाहते तो आई बटन में क्लिक करके या फिर थंबनेल्स वीडियो के एंड में आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो बाकी टूल्स है उसमें समझा दिया, तो चलो 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 चालू करते हैं। तो वेलकम बैक टू फोटोशॉप। तो आज हम लोग बाकी टूल जो बाकी है वो सब देख लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे तो ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट में लास्ट था, तो आज मैं बाकी टूल कवर करूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्लर टूल से। ब्लर टूल बेसिकली ब्लर करने का काम आता है कि अब आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं या फिर कोई अगर फोटो मैनिपुलेशन कर रहे हो तो जहाँ पे दो कलर मिक्स नहीं हो रहा तो आप ब्लर करके बस मच करके उधर में मिक्स कर सकते हैं। तो ब्लर टूल का काम नॉर्मली है किसी चीज को ब्लर करना। ऐसे आपको ब्रश दे देगा, आपका स्ट्रेंथ आपको धीरे दे देगा इधर पे आप कितना स्ट्रेंथ रखना चाहते हैं। यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन है डार्क एंड लाइट एंड, यह तो आपको मालूम ही है। यहाँ पे ब्रश का इफेक्ट कौन किस टाइप का ब्रश देखने में रहेगा या फिर उसका हार्डनेस कितना रहेगा ये इधर में एडजस्ट करके बस आपको सिर्फ ड्रैग करना है अपने इमेज के ऊपर। और ये ब्लर टूल थोड़ा टाइम ले लेता है क्योंकि सिस्टम हैंग कर देता है, क्योंकि ये जो है इसको रैम पावरफुल अगर नहीं हुआ तो ये अटक जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मेरा रैम सही है, इसमें देख रहे हैं आप ब्लर हो जा रहे हैं। तो अगर आप किसी जगह में मीन्स आपका अगर रैम कम हुआ तो अगर आप किसी जगह पे हरदम घिसे जा रहे हैं ये ब्रश को देखिए लोड ले रहा है अभी टाइम ले रहा है क्योंकि रैम के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है ये ब्लर टूल। इससे अच्छा है आप अगर किसी पोर्शन को ब्लर करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली सिलेक्ट करके वहां पे ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे वो मैं बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि सिलेक्टेड एरिया को अगर कहीं पे ब्लर करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्लर टूल हो गया इधर पे। आप नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस इमेज में थोड़ा ब्लर समझ में नहीं आया तो मैं इसमें करके देखता हूँ। तो ब्लर टूल देखिए अब समझ में आ रहा है, इमेज को ब्लर कर देगा। इसका सिंपल है, इस स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या फिर यहाँ पे अगर ब्लेंड ऑप्शन में आप चेंज कर देंगे तो इसका मीन्स वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ब्लर करने का प्रॉपर्टी चेंज कर देगा ये। तो नेक्स्ट करना है शार्पन टूल। शार्पन टूल का काम सही नॉर्मल है, किसी इमेज को ओवर एग्जैजरेट कर देता है। तो सपोज ये नंबर नॉर्मल इमेज है, ब्रश साइज बड़ा कर लेते हैं तो इसको ओवर एक्सैजरेटेड बना देता है, बुक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितना डिटेलिंग कम है ये देखिए शार्प करके उतना डिटेलिंग ज्यादा कर दे रहा है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टाइप का है, यहाँ पे अगर मैं शार्पन टूल बोल तो ज्यादा शार्प इमेज कर देता है, मीन्स उसका सैचुरेशन और पिक्सल को अलग अलग कर देता है तो इमेज थोड़ा ज्यादा ओवर सैचुरेटेड ओवर एक्सपोज्ड, तो इमेज थोड़ा ओवर एक्सपोजर वाला लगता है। देखिए कुछ ज्यादा ही पिक्सल को ओवर एग्जैजरेट कर देता है। तो ये हो गया शार्पन टूल, मस्टर्ड में ले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्मज टूल। स्मज टूल का काम नॉर्मल है, मैं बोला डिजिटल पेंटिंग जब करते हैं तो पे अगर आपके पास दो कलर है, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे सपोज ये पैंट की तरफ देखिए तो मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है वो बर्फ वाला और इसका पैंट ब्लैक है। तो स्मज टूल क्या काम करता है, दो कलर को मिक्स करने के लिए काम आता है ऐसे करके। इसका स्ट्रेंथ भी है, इसमें थोड़ा कमा देना थे तो कमा देते हैं। अब ऐसे करके दो कलर को मिक्स, डिजिटल पेंटिंग में ज्यादा काम होता है, मैट पेंटिंग में यह सब मिक्स करने का काम आता है या फिर कोई इफेक्ट दे रहे जहाँ पे स्पीड में हो आप तो यहाँ पे वैसे करके आप ये कर सकते हैं। स्मज टूल दो इमेज को स्मज कर देता है एक साथ। तो यहाँ पे बहुत सारा टूल डिफाइन करंट टूल मीन्स यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हैं स्मज टूल किस तरह का काम आएगा। यहाँ पे एक स्मज टूल है सिर्फ आपको होल्ड करके रहेंगे तो वो स्पाइरल टाइप का स्मज होगा तो वो आपको पीसेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंपल जो पीसेस है उससे आप ऐसे ऐसे इफेक्ट ला सकते हैं।
बहुत कम है, डिजिटल पेंटिंग में आता है या फिर एक इफेक्ट आता है कि आप टूट टूट के बाहर जा रहे हैं, तो उस सब में ये स्मार्ट टूल से काम होता है। तो नेक्स्ट है डॉज टूल। तो डॉज टूल का काम है इमेज को ज्यादा ये कर देना एक्सपोजर वाला। जो शार्पन टू करता है वो बेसिकली डिटेलिंग भी बहुत ज्यादा कर देता है, ये इमेज का जो ब्राइट पोर्शन है उसको और भी ज्यादा ब्राइट कर देता है, डार्क पोर्शन को भी फोर्सफुली ब्राइट बनाता है। देखिए मैं कर रहा हूँ तो देखिए आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कैसे पिक्सल सब अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि वो जो व्हाइट पोर्शन है उन लोग को ज्यादा एक्सपोजर वाला बना देता है और डार्क पोर्शन को जोर जबरदस्त वो व्हाइट बना देता है। तो ये है डॉज टूल का काम, तो किसी इमेज को एकदम ओवर एक्सपोजर वाला बनाते हैं। आप नॉर्मली कर सकते हैं इस इमेज को सिलेक्ट करके और इमेज में जाके एडजस्टमेंट से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिंपल टूल दे दिया जहां से काम आता है। इसे नॉर्मल करते हैं इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं बर्न टूल। बर्न टूल का काम अलग है, ये इमेज को डार्क बनाता है। डॉज टूल जैसे इमेज को सफेद कर देता है, मीन्स ओवर एक्सपोजर वाला बना देता है, और बर्न टूल क्या करता है वो एक्सपोजर को कमा देता है। सपोज आप एक इमेज बनाए जहाँ पे थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, तो डॉज टूल से आप उसमें शेडो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँ तो डार्क पोर्शन को ज्यादा डार्क बना देगा और जो व्हाइट पोर्शन है उसको धीरे धीरे डार्क कर देगा। तो ऐसे करके इमेज को आप पूरा ब्लैक बना सकते हैं या फिर किसी पोर्शन, नॉट ओनली इमेज। देखिए वो सिर्फ जो पिक्सल सब से वो ब्रश जाएगा पिक्सल्स के ऊपर से, उनका सब कॉन्ट्रास्ट कमा देगा, एकदम डार्क कर देगा। ये है हम लोग का बर्न टूल, मीन्स इमेज को बर्न कर देगा। करते ध्यान रखना है अगर आपके फेस के ऊपर आप बर्न टूल यूज कर रहे हैं, तो अगर आपका फेस थोड़ा रेडिश टाइप का है तो और भी लाल कर देगा, उसमें डार्क नहीं करेगा, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट चलता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, बेसिकली स्पॉन्ज जैसे स्पॉन्ज जैसे सब कुछ को सोख के उठा देता है, तो ये भी ऐसे ही काम करता है। जब सपोज यहाँ पे जो कलर है, अब स्पॉन्ज टूल आपको अगर आप स्पॉन्ज टूल वहां पे रब करेंगे तो क्या होगा, वो कलर को उधर से उठा लेगा। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहा है। ये बेसिकली डुअल एक्सपोजर इमेज बनाने में काम आता है, अच्छा लगता है देखने में। तो बेसिकली आप सिलेक्ट करके भी इमेज एडजस्टमेंट में जाके भी हटा सकते हैं। तो ये था हम लोग का स्पॉन्ज टूल, जो कलर को स्पॉन्ज की तरह, जैसे स्पॉन्ज अगर पानी में रख दो तो पानी को सोख कर लेता है, ये कलर को सोख कर लेता है। तो ये था हम लोग का स्पॉन्ज टूल। नॉर्मल पोजीशन पे चलो इमेज का। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का पेन टूल। पेन टूल सिलेक्शन टाइप का टूल काम है, लेकिन इसका शेप बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेसो टूल यूज करते थे वैसे टाइप का ही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा एक्यूरेट आता है। तो फर्स्ट जो हम लोग का है नॉर्मल पेन टूल, यहाँ पे पॉइंट बनाना है। सपोज ये कर्व आपको लेना है तो उधर में शेप ठीक नहीं आएगा, लेकिन इधर से आप अगर करके ऐसे ले तो पॉइंट एक्यूरेट आएगा। उसके बाद आप इधर में लाना है इसको अगर, तो इसमें ध्यान रखना ये जो पोर्शन हो रहा है ना, तो आपको ध्यान से इस पॉइंट को ब्रेक कर देना, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो ये अपने हिसाब से ले लेगा। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट दबा के एक सिंपल आ जाएगा इधर में रखने से। देखिए एक एरो टाइप का आ जाता है, इधर से अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पॉइंट करिए तो देखिए फिर से शेप आ जाएगा। तो फिर से ऑल्ट दबा के ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे रख के थोड़ा ऐसे टर्न कर लीजिए, फिर से ऑल्ट दबा के ब्रेक कर लीजिए, इधर पे जाइए ऐसे करके, फिर ब्रेक करके ऐसे करके, फिर ब्रेक करते। ये जो आ गया तो ये एक्यूरेट साइज में आएगा, ये जो सिलेक्शन होगा पूरा एक्यूरेट साइज का। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट बाहर चला गया, तो इसको अगर एडजस्ट करना है तो आप इस पॉइंट को खींच के भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है आपका दो साइड में बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आगे अगर आप ठीक करना चाहते तो आप इधर में एंकर पॉइंट जाके या फिर एंकर पॉइंट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैं इधर में क्लिक कर दिया तो ये एंकर पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद उसको खींच के आप अंदर में ला सकते हैं। या फिर ऐसा ना हुआ तो और एक सिंपल है, आप सिंपली नॉर्मल पेन टूल में जाइए, यहाँ पे देखिए जब मैं इधर में माउस पॉइंटर ला रहा हूँ तो देखिए एक प्लस सिंबल आया, तो यहाँ पे आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं अलग से। और अगर एंकर पॉइंट हटाना है तो उसके ऊपर फिर से ले जाने के बाद वो एक माइनस सिंबल आएगा, तो उधर में क्लिक करने से एंकर पॉइंट फिर से हट जाएगा, तो देखिए आप शेप में आ जाएगा। तो ये है पेन टूल का काम। तो एक फ्री पेन टूल है जो नॉर्मली काम करता है सिलेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं ऐसे करके, तो वो नॉर्मल काम करता है सिलेक्ट करने के लिए। आप इसको पकड़ के आप एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको ये जो एंकर सब है छोटा छोटा
जूम कर लेते हैं, तो इस एंकर पॉइंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर में जाके, यहाँ पे जाके आप एंकर पॉइंट को ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं और दबा के इस पॉइंट लोग को आप खींचेंगे उन लोग का और भी एडजस्टर निकल जाएगा, उनको पकड़ के आप एडजस्ट कर सकते हैं इसका शेप चेंज कर दिया। तो ये कॉन्वर्ट पॉइंट टूल दिखा दिया, यहाँ पे सेम ये सिर्फ मूवमेंट के लिए काम आता है, ये ऑल्ट दबा के भी आता है, आप अगर ऑल्ट दबा के कुछ करते हैं यहाँ पे जाकर ऑल्ट दबाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ऑल्ट दबाने से आ जाएगा ये। तो ये हो गया पेन टूल। नेक्स्ट हम लोग का है टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल बेसिकली दो टाइप का, एक हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल जो हम लोग का नॉर्मल टेक्स्ट टाइप शेप है, यहाँ पे इसे डार्क कर दो, लिखने के साथ आप नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लिखेगा, और एक वर्टिकल टेक्स्ट टूल जो वर्टिकली लिखता है, अगर कुछ लिखेंगे तो ये वर्टिकली होगा। और जो है वर्टिकल मास्किंग टूल और हॉरिजॉन्टल मास्किंग टूल, ये मैं जब इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। जब हम लोग मास्किंग करेंगे, मास्किंग का स्पेशल क्लास जब हम लोग करेंगे तब हम लोग दिखाएंगे कि ये वर्टिकल टाइप मास्किंग टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्किंग कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट टूल जो हम लोग देखेंगे वो है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको दिखाने से पहले हम लोग को ये टूल जानना है, यहाँ पे जो है रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल। सपोज हम लोग एलिप्स टूल से एक सर्कल बनाए, ठीक है, तो अब काम आएगा हम दोनों का ये पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है, आपको ये पूरा पाथ को मूव करने में मदद करता है, हेल्प करता है कि आप ये पूरा पाथ को कैसे मूव करें, कहाँ पे मूव करें। और ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे आप एक पॉइंट को डबल क्लिक करने के बाद आपको फ्री ट्रांसफॉर्म का एक मौका दे देता है, ठीक है। तो फ्री ट्रांसफॉर्म का मौका देने से आपको इसमें आप अपने मर्जी से रिसाइज कर सकते हैं, कौन से पोर्शन को आप सिलेक्ट करना है, कौन से पोर्शन को आपको ज्यादा इस पोर्शन में बनाना है, उसके बाद एंटर करने से एक सिलेक्टेड पोर्शन आ जाता है। अभी सिलेक्शन पोर्शन नहीं है, इसका एक अलग काम होता है, मैं जब इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा तब बता दूंगा एक्चुअली काम क्या करता है। तो ये बेसिकली ये टूल इसी काम के लिए आता है। नेक्स्ट तो आपने दिखा दिए मैंने ये जो काम करता है, ये स्क्वायर या ये सब करने में काम आता है, या फिर आप कुछ टेम्पलेट बना रहे हैं, वेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, उसमें ये कलरफिल ये सब करने में मदद करता है। आपको ऐसे कर देंगे तो ये कलरफिल कर देगा, उधर एंटर मारेंगे तो ये कलर उधर पे फिल कर देगा, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का मूव टूल। मूव टूल में एक हैंड मूव टूल है जो इमेज को मूव करने में मदद करता है, जो स्पेस दबा के भी आप कर सकते हैं, स्पेस दबा के आप करेंगे तो हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है। और एक है रोटेट टूल जो आपको फ्रीली रोटेट करने में, आप कंट्रोल टी करके भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आपका इमेज ये स्क्वायर जो व्यू पॉइंट है, स्क्वायर व्यू पॉइंट के अंदर ही मूव होगा, रोटेट होगा, लेकिन ये जो रोटेट टूल है ये पूरा 360 आपको घुमाने का फ्रीडम दे देता है। उसके बाद आता है मैग्नीफाइंग टूल, ये तो सिंपल आपको पता है, ऐसे मैग्नीफाइंग प्लस आ जाएगा तो जूम कीजिए, या फिर सिंपल है कंट्रोल और माइनस दबाएंगे तो दूर जाएगा और जूम आउट होगा, और कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो पास होगा, जूम इन होगा, ठीक है। तो ये रहा बेसिक स्टेप टूल जो हम लोग को इनबिल्ट सामने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे तो कस्टमाइजेशन है, आप जो भी टूल अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं कि सामने हो अंदर हो, आप अपने मर्जी से कस्टम कर सकते हैं। ये तो कलर, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर का पोर्शन है, यहाँ पे ये लेयर स्टैंडर्ड स्किन मोड ये सब मोड है इसका, फोटोशॉप का बस। तो यही रहा फोटोशॉप का टूल्स। तो इससे ज्यादा कुछ टूल्स हम लोग काम में नहीं लेते बेसिकली, अगर कुछ एडिशनल काम कर रहे तब भी एक्स्ट्रा टूल आता है जो हम लोग इधर से कस्टमाइज कर सकते हैं, बेसिकली ये टूल से ही काम बन जाता है फोटोशॉप में मैक्सिमम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो जो सीखना चाहते हैं, या फिर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा दोस्त है जो प्रीमियर प्रो लाता है, उसका भी लिंक और थंबनेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो टूल्स अगर अंदर में रहा हिडन तो मैं यूज़ वो एप्लीकेशन के साथ बता दूंगा जो कहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून, हमेशा याद रखना विद देख रिव्यू अपग्रेड योर क्रिएटिविटी।